हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जा रहे हैं ओमान। तो ओमान की अपनी पैकिंग शुरू हो गई है, बस अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। ये अपना सामान आ गया। शिवम, तू जाना है ओमान? तो हम तो बैग में बैठे, तेन तो लेके नहीं जाना। ओमान जाना नहीं जाना, पासपोर्ट है तेरे? पासपोर्ट चाहिए। फिर पासपोर्ट तो पता कितना जाऊंगा। शिवन, तेरे को पासपोर्ट? ओमान, ओमान ये हमारी गेम बेल है, इसके साथ वीडियो बनाएंगे। तो ये देखो, हमने सब कुछ पढ़ दिया। मान ये कितने लाइफ माने, एक वाटर की टैंकी देखो, एक टैची। सारा सारा कुछ रख लिया ना। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं रास्ते में। तो यहाँ से 4.5 घंटे बता रहा है और 443 किलोमीटर है। आपा ओमान चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं ओमान, दुबई से ओमान। तो आपको दिखा रहे हैं पूरा रूट, वहाँ पर क्या कैसे हम लोग जाते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पूरी वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं इधर से, दुबई से। अभी शारजा पहुँच चुके हैं, एयरपोर्ट रोड के ऊपर जा रहे हैं। इधर से फिर आगे कहाँ कहाँ से जाते हैं, कौन सा रोड है, आपको पूरा रोड दिखाएंगे। और बॉर्डर पे जाके क्या होता है, कितने एग्जिट के पैसे है, कितने उधर का वीज़ा गया, क्योंकि वीज़ा हम लोग ऑन अराइवल ही लेंगे, हमारे पास ये वीज़ा नहीं है। तो वहाँ पर जाके देखेंगे क्या है, वो लोग क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, क्या क्या है, तो वो पूरी डिटेल आपको देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं, दिखाते हैं आगे आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो इधर ब्रिज साइड पे आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी हम लोग पहाड़ी से नीचे उतरते हैं ना, तो कभी कभी गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती है। तो अगर ब्रेक ना लगे तो आप इस साइड में करके ना, ये एयरलाइन के ऊपर, तो ये ब्रिज के ऊपर ले जाओगे। यहाँ पर क्या ना, ये रफ एरिया बनाया गया है, तो ये गाड़ी जब भी उसके ऊपर चढ़ेगी ब्रिज के, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो ये इसके लिए साइड पे ब्रिज बनाया गया। यहाँ पर गाड़ी पार्क करके फोटो वगैरह मत खींचना, क्योंकि जो पीछे से कोई गाड़ी अगर ब्रेक फेल वाली आ रही होगी तो वो इसके ऊपर चढ़ के रुक सके, इसलिए ये बनाया गया है। और यहाँ पर हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। अभी गाड़ी चलते चलते 1.5 घंटा हो गया था और पहाड़ी एरिया था, काफ़ी ऊपर नीचे था रोड।
तो इसके लिए गाड़ी को थोड़ा ठंडा करेंगे, इसका पानी वानी चेक करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो आप भी गाड़ी का पानी ज़रूर चेक कर लेना रोक के कहीं पे भी। ये अभी लास्ट पेट्रोल स्टेशन है मे भी, इसके बाद में हम लोग का आगे ओमान स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सामने देखिए हत्ता दिख रहा है, हत्ता की पहाड़ी है, तो इसी पे बॉर्डर है, हत्ता ओमान का जो बॉर्डर है वही है, तो ये पहाड़ वही दिख रहा है। शायद अभी से मुझे और 5-7 मिनट लगेंगे तो हम लोग बॉर्डर पर पहुँच जाएँगे, तो इसलिए मैं अभी पेट्रोल स्टेशन पर रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ खा पी लेंगे और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम लोग आगे जाएंगे। तो आगे में भी आई डोंट नो कुछ मिलेगा रुकने के लिए जगह या कुछ खाने के लिए कि नहीं। यहाँ पर एक कैफेटेरिया है, तो यहाँ से कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं लेते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हत्ता में, हत्ता अभी यहाँ पर रुक के थोड़ी देर कुछ खाना वाना खाएंगे हम लोग, तो इसके बाद फिर आगे जाएंगे। पहले हम लोग पीछे पेट्रोल स्टेशन पे रुके थे, तो वहाँ से कुछ खाने के लिए रोटी वगैरह तो नहीं थी, बट सैंडविच और चाय ले लिया था वहाँ से। तो अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट है थोड़ा आगे आगे, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में अभी खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। तो ये काफ़ी अच्छा एरिया है, यहाँ पर अगर फोटो वगैरह लेनी है ना तो अच्छा एरिया, देखिए व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पर रुक के फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। इसके आगे पता नहीं अभी कोई रुकने के लिए कुछ होगी अच्छी जगह कि नहीं, क्योंकि पीछे भी ना जहाँ से पहाड़ शुरू हो गए उसके बाद में कोई भी रुकने के लिए जगह नहीं थी, तो यहीं पे आगे एक जगह पे हम लोग रुके हैं। इससे थोड़ा सा पीछे 500 मीटर पीछे पेट्रोल स्टेशन था, वहाँ पर पहले रुके थे, वो हम लोग इसलिए रुके थे क्योंकि पता नहीं था कि आगे कुछ होगा कि नहीं होगा रुकने के लिए खाने पीने के लिए। तो वहाँ पर रुक के फिर हम लोग खाना चाय वाय भी लिया था, सैंडविच मिल गया था वो खा लिया था। तो फिर बट अभी थोड़ा आगे आए हैं, तो 500 मीटर आ गए हैं पेट्रोल स्टेशन के बाद, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया अभी रेस्टोरेंट, फिर यहाँ पर अभी रुक के हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे आगे, फिर आगे देखते हैं अभी कितने किलोमीटर के बाद कोई रुकने के लिए कुछ जगह आती है, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ आगे का पूरा प्रोसेस। तो अभी यहाँ से रह गया ओमान 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे अपना बॉर्डर है, वहाँ से फिर हम लोग आगे एंट्री ओमान में कर जाएंगे। ये सामने जो दिख रही हैं पहाड़ियाँ ना, ये सारी ओमान की पहाड़ियाँ हैं। तो बस ऑलमोस्ट हम लोग एंटर हो चुके हैं, बस और 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये इधर सामने अपने को मास्कट का भी बॉर्डर भी मिल गया है, तो बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे। आज एक्चुअली वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया, ये देखिए काफ़ी क्लाउड हो गए, बादल हो गए हैं, तो शायद बारिश होने वाली है यहाँ पर। तो चलो वेदर का भी इंजॉय करेंगे और ओमान भी इंजॉय करेंगे। बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बॉर्डर पर, तो बताता हूँ आपको वहाँ पर जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, क्या क्या वो लोग पूछते हैं, तो क्या चेकिंग होती है, वो पूरी आपको दिखाऊंगा। बस अभी हम लोग 2-3 मिनट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर स्पीड थोड़ी स्लो है क्योंकि इन्होंने 20 की स्पीड दी हुई है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है ना, तो इसके लिए हम लोग स्लो स्लो जा रहे हैं। ये पूरा बॉर्डर का एरिया ही है, ये इधर कैंप बने हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हत्ता बॉर्डर पे, इधर डिपार्चर गेट है आगे, तो यहाँ पर काफ़ी रश है, तकरीबन हम लोग को 15 मिनट हो गए इधर खड़े खड़े, मेरे 15-20 मिनट और लग जाएंगे क्योंकि मेरे आगे 5-6 गाड़ियाँ और हैं, तो काफ़ी रश है यहाँ पर वीडियो मैं उनकी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अलाउड नहीं, इन्होंने लिखा है कि वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ पर कैमरा नॉट अलाउड है, कैमरा के ऊपर उन्होंने क्रॉस बनाया हुआ है, तो इसलिए इसकी वीडियो नहीं बना सकता। मैं गाड़ी के अंदर बैठ रख के अपनी गाड़ी वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा लगेगा आपको हत्ता से ओमान में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी है, काफ़ी रश है। अभी हम लोग सुबह सुबह निकले हैं, शाम को तो शायद और भी ज़्यादा रश हो जाएगा। जब मैं इधर पहुँचा था तो सिर्फ मेरे आगे 5-6 गाड़ियाँ थी, और अभी मेरे पीछे पूरी लाइन लगी है, मेरे कम से कम पीछे अभी गाड़ी के पीछे कम से कम 10-12 गाड़ियाँ और खड़ी हैं। अभी और आधा घंटा रुकेंगे यहाँ पर तो शायद और ज़्यादा रश हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम का आप देख के निकलें। अगर आप शारजा से जब क्रॉस करना है, यूएई से जब भी हत्ता क्रॉस करना है ना ओमान में एंटर होने के लिए, तो यहाँ पर आप आधा घंटा पकड़ के चलो, आधा घंटे से ज़्यादा ही लग सकता है,
क्योंकि मुझे अभी 15 मिनट हो गए खड़े खड़े, 15-20 मिनट और लग जाएंगे आगे निकलने के लिए। मेरे आगे गाड़ियाँ हैं, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं भी पासवर्ड चेक करेंगे। अभी श्योर नहीं है कि पासवर्ड चेक कर रहे हैं या क्या चेक कर रहे हैं, तो आगे जाके मैं आपको बताऊँगा फिर कि इन्होंने क्या पूछा, क्या इनको चाहिए डॉक्यूमेंट, क्या देखा, तो वो पूरी मैं आपको डिटेल बताऊँगा ये क्रॉस करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, जो हत्ता वाला बॉर्डर था उधर से क्रॉस किया, आगे ओमान का साथ ही आ गया था, तो उसके अंदर गए हम लोग के 3 घंटे वेस्ट हो गए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पर हम लोग को वीज़ा की जरूरत नहीं है। हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो वीज़ा हम लोग को उधर ही मिल गया था। जो इंडियन पासपोर्ट है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, उनको वीज़ा अंदर से लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग को गाड़ी में स्टैंप लग जाती है पासपोर्ट के ऊपर, वही वीज़ा है हमारा। और जो पाकिस्तानी या किसी और नेशनलिटी से है ना, तो उनको अंदर जाके एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद उनको वीज़ा मिलता है उधर पेमेंट करके, ठीक है। और हम लोग का जो इंडियंस पासपोर्ट है, उनको अंदर जाके लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इसके लिए मैं अंदर जाके लाइन में खड़ा हो गया। 2 घंटे में उधर लाइन में खड़ा रहा, बहुत लंबी लाइन थी। जब भी हम लोग उसके ऑफिसर के पास पहुंचे, उधर पासपोर्ट दिया, तो वो बोल रहे कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी वीज़ा है, तुम्हें उधर गाड़ी में मिल गया है, तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है इधर। इसलिए फिर हम लोग उधर सिर्फ इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस लेने के बाद हम लोग डायरेक्ट अपनी गाड़ी में बैठे और आगे एंटर हो गए। तो अभी हम लोग ओमान में एंटर हो गए, यहाँ पर कैफेटेरिया पे रुके, जहाँ से हम लोगों ने एक सिम ले लिया, यहाँ का लोकल सिम जो ओमान का है, वो मुझे 20 दिरहम में मिल गया था, इधर के 2 रियाल में मिला। और यहाँ से अभी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी चाय मिल गया है, साथ में पकौड़ा बहुत अच्छा था, वेजिटेबल है, क्योंकि नॉन वेज तो हम लोग नहीं खाते, तो वेज था। ये जैसे मिल गया, इसमें आलू और वेजिटेबल मटर वगैरह है, क्योंकि आज ईद है ना, तो इसके लिए अपने को रोटी वाला इधर नहीं, रेस्टोरेंट नहीं मिला है, रेस्टोरेंट बंद है सारी। तो ये कैफेटेरिया खुले थे, इसलिए मेरे इधर से चाय और ये मिल गया, तो चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं। ये समोसे जैसा ही है, समोसा नहीं है बट कुछ और इनका डिश है, लेकिन समोसे जैसे टेस्ट आ रहा है सेम। अच्छा, तो देखते हैं आगे जाके कहीं से कोई रेस्टोरेंट कोई कहीं पे देख के, तो फिर रोटी खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकल गए हैं चाय लेके, चाय जाते जाते पीलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर से काफ़ी दूर है। अभी जो हमारा होटल है इधर से 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर और आगे हम लोग को जाना है, इसलिए चाय ले लीजिए जल्दी जल्दी में, तो हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबा रास्ता है, अभी नींद आ रही है, इसके लिए मैं तो सोचा थोड़ी सी और वीडियो बनाता हूँ, नींद आ रही है यार। ये देखो इधर शिवम भी सो गया और दिनेश भी सो गए, तो ये दोनों सो गए, अभी मैं अकेला बातें कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत नींद आ रही थी, मैं सोचा यार थोड़ी देर टाइम पास करता हूँ। ठीक है अभी चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। तो फ्रेंड्स अभी 8:30 हो गए, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मस्कट में, तो हमारा होटल इधर के इधर पास ही है, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता और है। हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हम लोग का एस्टिमेट था कि 2 बजे हम लोग इधर पहुंच जाएंगे होटल में, बट ज़्यादा लेट हो गए। वो क्यों लेट हुए, हमारा ना वहाँ पर 2-2.5 घंटे वेस्ट हो गए बॉर्डर पे। वो क्यों वेस्ट हुए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर इधर आओगे तो आप वो टाइम आपका वेस्ट ना हो, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, तो उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको कैसे आप जल्दी इधर पहुंच सकते हो। जो 4 घंटे का रास्ता था, हम लोग का पूरा दिन लग गया, 12 घंटे लग गए। तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए ये जो ऊपर वीडियो दिख रही है ना, ये वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको आपका टाइम सेव हो सके, जो हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ वो आपका ना वेस्ट हो।